नमस्कार। तो आज अपन रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट फंडामेंटल चेक करेंगे। काफ़ी बार हमने वीडियो बनाई थी टेक्निकल के ऊपर, हमने ये भी कहा था कि स्टॉक से बाहर निकल के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपको पैसा भी रिकवर हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो देख सकते कि फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो मार्केट कैप 360 करोड़ का है। करंट प्राइस देख सकते हो, पी नहीं है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, डिविडेंड नहीं है, आरओसी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू ₹5 का है। डेब्ट देख सकते हो 47,000 करोड़ का, और कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी टोटली नेगेटिव नज़र आ रही है। EPS -52 का है, रिटर्न की बात की जाए तो नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ 97% है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 25% है। सेल्स 479 करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में भी नेगेटिव ही है। तो इन्वेस्टमेंट 56 करोड़ की है, टोटल एसेट 36,000 करोड़ की है, अच्छे है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते कि कंपनी काफ़ी सारे प्रॉब्लम में पड़ी है। इक्विटी कैपिटल डेप्ट इक्विटी नहीं है, इक्विटी कैपिटल 1300 करोड़, डिविडेंड पे आउट नहीं, ईबीटा भी देख सकते हो। तो इसलिए हमने कहा था कि अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, टाइम भी बच जाएगा, आपका रिटर्न्स भी आ जाएंगे। तो ये थे फंड लेटेस्ट अपडेट आरकॉम के लिए।